ग्वालियर कलेक्ट्रेट में उस समय माहौल बहुत अलग हो गया जब दोनों पैरों से दिव्यांग अरविंद सिंह भदौरिया अपनी थ्री व्हीलर को लेकर सीधे जनसुनवाई सभागार में पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग इस नज़ारे को देखते रह गए, जहां लेटकर गाड़ी चलाता हुआ एक दिव्यांग सीधा कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचा। इस नज़ारे को देखकर लोग ही नहीं बल्कि जनसुनवाई में मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। उस युवा के हौसले को देखते हुए स्वयं अपर कलेक्टर आशीष तिवारी अरविंद से मिलने पहुंचे और उनकी समस्या को सुना, समझा और उस पर गौर करने का आश्वासन भी दिया। तो आइए जानते हैं कौन है अरविंद सिंह भदौरिया और अचानक ये इस तरह से क्यों पहुंचे कलेक्ट्रेट सभागार में। मेरे मित्र हैं अरविंद सिंह भदौरिया, इनको मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। मेरी नौकरी मिलने में कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। एम्पलाइन ऑनलाइन की दुकान चलाते थे, मगर आजकल हर जगह मोबाइल में नेट की प्रोवाइड होने के कारण बंद हो गई। फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया इन्होंने। अब बच्चे ऐसे बच्चे भी आते हैं इनके पास जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी पे काम करता है, तो वो पैसा दे नहीं पाते। पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि पूरा कांचमिल फेमस है पढ़ाने के नाम पर। ये पहले 10 से 15 साल एक ही रूम में रहते थे, कोई पलटने वाला नहीं, कोई इनको देखने वाला नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से करवट भी नहीं ले सकते और इनका जितना भी टॉयलेट पैसा जो भी होता है वो बिस्तर पे ही होता है। तो केयर टेकिंग के लिए इनके एक फादर हैं, वही अकेला ये करते हैं। फिर इन्होंने ई रिक्शा जब पहली बार आया इंडिया में तब उन्होंने देखा, तो अपने ही मन से एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक विभाग वाला था उसके पास गए और इसको बेड बना लिया। अब यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनके पैर हैं, अब इसी पर रहते हैं। घर चौड़ा करवा लिया है, जिसमें रहते हैं उसमें सीधा घुस जाता है हॉल में, उसी पर ही सोते हैं। ये घूम जाता है, बैग भी हो जाता है, और बच्चों को पढ़ाते हैं इसी पर रहेंगे। तो एक बार इन्होंने ऐसे सुसाइड नोट भी लिखा था कि मैं नहीं जीना चाहता, क्योंकि यहाँ कलेक्टर साहब पहले कोई और थे, उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। इस तरह के वाहन से इनको लाभ मिला है, ऐसे और लोगों को लाभ मिले और जो दिव्यांगजन है उनको भी फायदा हो और इनकी जीविका भी चल जाएगी। अरविंद ने बताया कि वे काफ़ी समय से गरीब बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और यही उनकी आजीविका का साधन है, लेकिन वर्तमान में जहां वे पढ़ा रहे हैं वह जगह बहुत कम है और इसके साथ ही वे जिस प्रकार के वाहन का प्रयोग स्वयं कर रहे हैं अन्य दिव्यांगों के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें भूमि की आवश्यकता है। उनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। अरविंद सिंह भदौरिया, कलेक्टर साहब से मिलने आए। समस्या ये है कि मैं ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे पास जगह पर्याप्त नहीं है और मैं ग्वालियर में कांचमिल क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ अधिकतर मलिन बस्ती के बच्चे रहते हैं, तो वो फीस वगैरह का उनके यहाँ प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, तो कई बच्चे फीस नहीं भी दे पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको फ्री भी पढ़ाऊँ या जो देने लायक है जितना वो उतना मिनिमम चार्ज लेता हूँ ना, जो पैसे मान लो फीस मिनिमम रहती है, जो देने लायक हैं वो दे जाते हैं, नहीं देते हैं तो कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपको फीस देंगे। तो इसीलिए की थी क्योंकि इस तरह से अगर फ्री में पढ़ाओगे आप तो बहुत ज़्यादा जगह में बच्चे बहुत सारे आते हैं। अभी मेरे पास 35-40 बच्चे हैं, उससे मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ ये जगह के लिए अभी अलॉटमेंट के लिए आया हूँ। पहले मैं दुकान चलाता था उसकी MP ऑनलाइन की, उसके लिए भी जगह की ज़रूरत थी मुझे, तो वो जगह अलॉटमेंट हुई तो दुकान मैंने बंद कर दी है। अभी भी ट्यूशन करना है और ये गाड़ियाँ जो बना, जैसे मैं गाड़ी पे लेटा हूँ, इस तरह के व्हीकल्स बनाने की भी सोच रहा हूँ दिव्यांग भाइयों के लिए।